हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनर 7A फ़ोन के जो बैक कवर उसको ओपन करेंगे और साथ में करेंगे इस फ़ोन की जो बैटरी है उसको डिसकनेक्ट और हमें इस प्रकार से बैक कवर ओपन करने की क्यों ज़रूरत होती है, तो जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गो डिजिटल इंडिया को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, साथ में इस घंटे वाले आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास ओनर का 7A फ़ोन और आज की इस वीडियो में करने वाले थे इस फ़ोन के जो बैक कवर उसको ओपन और साथ में करेंगे इस फ़ोन की जो बैटरी है उसको डिसकनेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इस फ़ोन का हमें बैक कवर क्यों ओपन करना चाहिए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को प्ले करने के लिए मैंने कहा था। तो सबसे पहले दोस्तों इस फ़ोन की जो पावर है उसको सबसे पहले हमें ऑफ़ करेंगे। जैसे इस फ़ोन का पावर ऑफ हो जाता है उसके बाद इस फ़ोन का जो सिम टेर है उसका सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे, अदरवाइज आपका फ़ोन का जो बैक कवर ओपन नहीं होगा। तो चलिए इस सिम इजेक्टेड टूल के हल से इसका जो सिम टेर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो प्लास्टिक प्राइम टूल की हेल्प से इस फ़ोन के अंदर एक स्पेस बनाना है और उस स्पेस को आपको चारों तरफ लेकर चलना है। तो स्पेस कैसे बनाना है आपको, तो इस तरह से आपको प्लास्टिक का प्राइम टूल लेना है और इसको यहाँ पे लगाना पीछे की तरफ और थोड़ा सा जो है आपको दबाव लगाना है और उसके बाद जो है यहाँ पे निकल जाएगा। इस फ़ोन का जो पीछे वाला कवर है यानी कि बैक कवर है जो वो दिया है प्लास्टिक का कम्प्लीटली, तो इस तरह से थोड़ा लगा के आपको दबाव डालना है और इसके अंदर जो है इसके बैक कवर के जो लॉक लगे हुए हैं वो निकल जाएंगे। तो देखिए फ़िलहाल इस फ़ोन का जो बैक कवर ओपन होना स्टार्ट हो गया है, तो आपको इस तरह से यूज़ करना है इस प्लास्टिक के प्राइम टूल को। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको लगा के इसको चारों तरफ घुमा रहा हूँ तो वैसे वैसे इस बैक कवर के जितने भी लॉक है वो ओपन हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस फ़ोन के जो बैक कवर के लॉक है उसको ओपन करना है। देखिए इस फ़ोन के जो लॉक है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो एक बार जैसे ही आपको इसे ओपन हो जाता है तो उसके बाद जो आप इसको जो अपने हाथ से ओपन कर सकते हो, बट आपको मैं आपको बता देता हूँ कि हाथ से आप आराम से ओपन कीजिएगा क्योंकि इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो अटैच किया हुआ है। ये देखिएगा इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, यानी कि फिक्स के अलावा है क्योंकि इसके ऊपर एक स्टील की पतली सी परत के साथ जो है इसको कवर किया हुआ है। तो इसको जो है इस तरफ से जो बैटरी कनेक्टर है इसको भी यहाँ पे कवर किया हुआ है स्टील प्लेट के साथ। तो इस फ़ोन के जो सभी स्क्रू है यानी कि इसके स्टील प्लेट के जहाँ पे फिंगरप्रिंट कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर है उसके मैं स्क्रू ओपन कर लेता हूँ फ़िलहाल दोनों तरफ से, और उसके बाद जो है इसके कनेक्टर है उसको करेंगे हम डिसकनेक्ट। तो देखिए दोस्तों इस फ़ोन के स्क्रू वो निकल गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से जो है इस स्टील प्लेट है इसको हम निकाल लेते हैं। जो स्टील प्लेट है वो ग्लू के साथ फिक्स की हुई है, आपको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना है और ये निकल जाएगी। ये देखिए ग्लू के साथ यहाँ पर फिक्स की हुई है, और उसके बाद इस तरह से आपको इस बैक कवर के अंदर जो फिंगरप्रिंट लगा हुआ है उसको जैक है उसका उसको कर देना आपको डिसकनेक्ट। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है आपका बैक कवर। इसके अंदर आपको कैमरा लेंस और फ्लैश लेंस और फिंगरप्रिंट यहाँ पे बैक कवर के अंदर मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों इस फ़ोन की बैटरी उसको करेंगे हम डिसकनेक्ट, क्योंकि आपका फ़ोन पानी वगैरह में गिर जाता है तो उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने फ़ोन की जो बैटरी उसको डिसकनेक्ट करना होता है, इसलिए अक्सर हम बैक कवर ओपन का वीडियो बनाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आपको जो है बैटरी कनेक्टर उसको डिसकनेक्ट करना होता है, तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन के बैटरी कनेक्टर उसको डिसकनेक्ट कर सकते हो ऑनर 7A फ़ोन के। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अक्सर जो है बैक कवर ओपन का वीडियो बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आपका ओनर 7A फ़ोन का बैक कवर। तो चलिए फिर दोस्तों लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा
और चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।